हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम आपकी प्रेगनेंसी में ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स थे जो आपको लगता है कि इससे बेबी बॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आपके साथ सिर्फ वही सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है कि आपके साथ भी ये सिम्टम्स हो, आपको बेबी बॉय भी हो सकता है। कई बार ये मैच भी हो जाते, कई बार ये मैच नहीं हो पाते। तो आप 100% श्योर मत होइए ये वीडियो देखकर। और इस वीडियो का लड़का लड़की का भेदभाव करना बिल्कुल भी नहीं है, और आप इस वीडियो को देखकर कोई भी गलत कदम मत उठाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका कमेंट आता है कि मैम आपके जो बेबी बॉय होता उसने हलचल किस महीने से शुरू की थी। तो फिर जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो मेरे बेबी ने जब मेरा 6 मंथ शुरू हुआ था तो तब जाके बच्चे ने हलचल शुरू की थी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो बेबी बॉय होते हैं वो थोड़े से आलसी टाइप के होते हैं, मतलब वो लेट हलचल करते हैं। तो जो लड़की होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा हलचल करना शुरू कर देती है। ये सिम्टम्स मुझे भी बताया गया था और ये सिम्टम्स मुझ पर 100% बिल्कुल सही साबित हुआ। हो सकता है कि आपके साथ भी सही साबित हो, सकता है आपके साथ सही साबित ना हो। अब बात करते हैं सेकंड लक्षण की कि आपके पेट का आकार कैसा था। तो फ्रेंड्स, मेरे पेट का आकार बिल्कुल गोल बोल जैसा था। अगर आपका भी जो पेट का आकार होता है थोड़ा सा अंडाकार की शेप में होता है, मतलब जैसे गोल और नीचे की तरफ उभरा हुआ होता है, तो इसका मतलब आपको भी चांसेस होते हैं 70-80% कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। बात कर लेते हैं थर्ड सिम्टम्स की कि ऐसा माना जाता है कि अगर आपको उल्टियाँ ज़्यादा होती हैं प्रेगनेंसी में तो आपको लड़की होती है, और अगर आपको उल्टियाँ कम होती हैं तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो सिम्टम्स था मेरे ऊपर बिल्कुल 100% सही साबित हुआ। तो अगर आपको भी सिम्टम्स नज़र आता है तो आप फिर एक थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं कि शायद आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। फोर्थ सिम्टम था कि अगर आपका प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, जैसे मेरा हुआ था, कम से कम 24 से 25 kg मैंने वेट गेन किया था प्रेगनेंसी के अंदर। अगर आपका ये जो वेट होता आपने ज़्यादा ही कंसीव कर लिया, देखिए 10 से 12 kg वेट प्रेगनेंसी के अंदर गेन करना बिल्कुल हेल्दी वेट होता है। लेकिन अगर आपका 15 से ज़्यादा kg वेट आप गेन करते हैं तो वो फिर ज़्यादा हो जाता है, जैसे मेरा ज़्यादा था। तो अगर आपका भी वेट एकदम से ज़्यादा गेन हो जाता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। आप बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट लक्षण की, अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो बेबी किस साइड रहता है और हलचल कहाँ पर महसूस होती है हमें बच्चे की। तो फ्रेंड्स, मैं अपने खुद की एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे हमेशा बेबी की जो हलचल होती थी राइट साइड फील होती थी। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे बेबी राइट साइड ही रहता, कहीं और मुझे हलचल महसूस नहीं होती थी, है भी हमेशा राइट साइड ही फील होता था। बात कर लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट टिप की, सिम्टम्स की सॉरी। तो लास्ट सिम्टम्स होता है कि अगर प्रेगनेंसी के अंदर आपका जो कलर होता है वो ज़्यादा ही ग्लो करने लगा, पहले की अपेक्षा आपका ज़्यादा ही कलर फेयर हो गया, वाइट हो गया है, तो इसका मतलब आपको चांसेस है कि आपको बेबी बॉय हो सकता है। लेकिन इसके अपोजिट कुछ महिलाएं ऐसा भी बताती है कि अगर आपको फेस पर पिंपल हो गए हैं या आपकी स्किन पहले से ब्लैक हो गई है तो आपको लड़का होता है। लेकिन मुझे इसके अपोजिट हुआ, मुझे जब मेरी स्किन थी पहले के मुकाबले मेरे हेयर भी जैसे ग्रो हो गए थे, शाइन आ गई थी, फेस पर भी एकदम ग्लो हो गया था और फेस भी मेरा वाइट हो गया था। तो अगर आपको भी सिम्टम्स नज़र आता है तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे जो सारे सिम्टम्स जो आप सभी ये कमेंट आए थे, मैंने इस वीडियो में रिप्लाई कर दिए हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि चलिए एक प्रॉपर वीडियो ही बना देती हूँ जिससे आपको सभी को पता चल जाएगा कि मेरी बेबी की जो बॉय के सिम्टम्स थे जो दादी नानियाँ बताती हैं वो मेरे ऊपर कौन कौन से सही साबित हुए। तो अब आप ही थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखकर लड़का और लड़की में भेदभाव मत कीजिए, क्योंकि जो भी होगा आपका ही बेबी होगा। बस ये प्रे कीजिए कि आपका बेबी हेल्दी हो। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर मैं हमेशा अपनी प्रेगनेंसी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।